खबर कश्मीर से। हंदवाड़ा पुलिस ने बलात्कार के अपराध में एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। मौलवी की पहचान अल्ताफ हुसैन पुत्र गुलाम मोहियुद्दीन मलिक निवासी हयान त्रेगाम के रूप में हुई है। उसे बीती आधी रात को स्थानीय लोगों ने एक लड़की का बलात्कार करते हुए पकड़ा और पुलिस को सूचना दे दी, जिसकी पुष्टि SDPO ने की और बताया कि मौलवी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मौलवी मस्जिद का इमाम और दारुल उलूम का हेड है। आइए सुनते हैं हंदवाड़ा के SDPO शब्बीर खान को। कल देर रात शाम करीबन 11:30 बजे कलमाबाद का इलाका है और वहाँ पे कुछ लोगों ने कलमाबाद पुलिस स्टेशन में फ़ोन करा कि यहाँ पे एक मदरसा है जिस मदरसे का एक मौलवी है जिसका नाम अल्ताफ अहमद मलिक सन ऑफ गुलाम मोहिउद्दीन मलिक जो त्रेगाम कपवाड़ा का रहने वाला है वो इस मदरसे को हेड कर रहा है और उस मौलवी ने एक मशकूक हालात में एक औरत को मदरसे के अंदर ले गया है। लोगों को इस वजह से शक पड़ा क्योंकि ये मदरसा सिर्फ लड़कों का है, तो वो जब औरत को जाते वक्त देखा तो उनके दिमाग में एक शक शुबा जाहिर हुआ जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस को कॉल किया। हमारे पुलिस स्टेशन कलमाबाद की टीम हेडेड बाय SHO गुलाम अब्दुल अहद जहान वो वहाँ पे पहुँचे, मौके पे पहुँचे और उन्होंने ये देखा कि ये जो मौलाना अल्ताफ मलिक है इसने एक औरत को ज़बरदस्ती एक कमरे में घुसा के रखा था और वहाँ पे कुछ अनएक्सेप्टेबल कंडीशंस में उन दोनों को पकड़ा गया। हंदवाड़ा से शब्बीर खान के साथ कबीर गिलानी की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।